हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार सिंह और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हम लोग लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसे आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि पिछला वीडियो लेक्चर जो था तुम लोग जरूर देखे होगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कोई भी एग्जाम हो, नीट का हो, सीईटी का हो, जेई का हो, ये सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीका से हमें कवर करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग ऑलरेडी मोलेरिटी के बारे में पढ़ चुके थे और इसे हम लोग एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो मोलेरिटी के बारे में बताया था, जैसे नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही होता है मोलेरिटी। हम लोग उसका फॉर्मूला भी देखे थे और हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज मोलेरिटी के बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी। इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एल से। तो नॉर्मलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस बार ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर मोलेरिटी की तरह ही मोलेरिटी में हम लोग क्या बोले थे कि नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है, वही होगा मोलेरिटी। और नॉर्मेलिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, मतलब यहां पर हमें इक्विवेलेंट वेट को यूज करना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट अब एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसे देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि जो वेट ग्राम में दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, इक्विवेलेंट वेट से। तो यहां पर हमने चेक करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेयर वेयर डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम और ई को हम लोग क्या बोलेंगे, E will be equivalent weight of solid. E जो है वो solid का क्या होगा, equivalent weight होगा। तो यहाँ पर question यही है इसका। अगर normality की बात करें तो normality का मतलब
कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है गिवन वॉल्यूम में। तो अगर हम लोग नॉर्मलिटी को जिस तरह से मोलैरिटी को डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही अगर हम लोग नॉर्मलिटी के लिए अगर फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से आएगा। तो नॉर्मलिटी तो क्या लिखें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर Ne ग्राम इक्विवेलेंट को अगर डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, फॉलोमी लीटर। और अभी मैं बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, W अपॉन E से। तो यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, Ne की जगह पर लिख सकते हैं W अपॉन E। तो Ne किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्यूट को हम लोग 1 से कंसिडर किए हैं। तो W1 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। थोड़ा सा हम लोग और चेंज करते हैं, हम लोग देखे थे लास्ट का लेक्चर में जब मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि अगर वॉल्यूम इन लीटर इसको अगर ml में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मतलब ऊपर जो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि वो कैसे होता है, तो यहां पर लेंगे w1 upon e1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और यहां पर हम लोग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट नॉर्मलिटी। लेकिन नाउ द पॉइंट इज कि लास्ट का लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे क्या मोलर मास। तो मोलर मास जो था वो काफी आसान था, उसे कैलकुलेट करना इजी था, लेकिन यहां पर एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द मोलर मास। सो वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्विवेलेंट वेट। सो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्विवेलेंट वेट। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिखते कैसे। तो हम लोग देखेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग बोलते हैं मोलर मास, और मोलर मास को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, एन फैक्टर से। मोलर मास को किससे डिवाइड कर देते हैं, एन फैक्टर से। अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे सोडियम का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सोडियम का लेंगे हम लोग मोलर मास और डिवाइड कर देंगे किससे, एन फैक्टर से। नाउ द पॉइंट इज कि एन फैक्टर क्या होता है। अब ये एक पॉइंट हो सकता है कि हम लोग आखिर एन फैक्टर किसे कहेंगे। तो मैं ऑलरेडी ऐसे पहले हम लोग जब 11th क्लास के लेक्चर को हम लोग जब किए थे तो वहां पर हम लोग एन फैक्टर के बारे में बात किए थे कि एन फैक्टर किसी भी एलिमेंट के लिए उसका वैलेंसी होता है, जो उसकी वैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा। और इस तरह से किसी भी एसिड के लिए उसका बेसिसिटी होता है, और किसी भी बेस के लिए उसका एसिडिटी होता है, और कोई अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज होता है, जो उस पर चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होता है। हम लोग ये ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एन फैक्टर को मैं एक बार डिफाइन कर दूं अच्छे तरीका से। तो एन फैक्टर ऐसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एन फैक्टर तो एन फैक्टर के लिए देखेंगे तो क्या देखेंगे, फॉर एसिड के लिए क्या देखना है, इट्स बेसिसिटी। एसिड के लिए क्या देखना है, उसका बेसिसिटी देखना है। बेस के लिए क्या देखना है, बेस के लिए देखना है उसका एसिडिटी, इट्स एसिडिटी। इस तरह से अगर कोई आयन है तो आयन्स के लिए क्या देखेंगे, इट्स चार्ज, उस पे चार्ज कितना है। इस तरह से अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट्स के लिए क्या देखेंगे, इट्स वैलेंसी।
तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे मोलर मास और एन फैक्टर को अगर यूज कर ले तो हम लोग क्या इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं थोड़ा, तो कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं, हम लोग एक रिलेशन देखेंगे और फिर वो भी करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे उसे यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे, वेट डब्ल्यू वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 1000, बस सेम फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूँ। और इक्विवेलेंट वेट को मैं ई से लिख देता हूं, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहां से लेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉलिड, तो उसे भी हम लोग किसमें लिखेंगे, m1 से लिखेंगे और डिवाइड बाय एन फैक्टर को nf लिख देते हैं और यहां कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एल, है ना। तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से ये रिवर्स होकर के न्यूमिनेटर में जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय एम वन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम, तो ये हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। अब अगर हमें ऐसा पता है तो हम लोग नॉर्मेलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा और हम लोग यहाँ पे तो अगर देखें तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि जो नॉर्मेलिटी है वो क्या हो गया, एन फैक्टर इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय एम वन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम। ध्यान रखना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, और वेट एमएल में लेना है, लीटर में नहीं लेंगे, लीटर में लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीटर को ऑलरेडी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं एमएल में, इसलिए हमें लीटर में नहीं लेना है। नाउ ये तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप देखना है, संबंध रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी अगर हम लोग इसे देखें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मोलेरिटी होता कैसे। तो मोलेरिटी बराबर है वेट अपॉन मोलर वेट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 से और डिवाइड करते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल से। तो यहां से अगर हम लोग इस रिलेशन और इस रिलेशन, अगर ये दोनों रिलेशन को हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या पता चलता है कि जो इनसाइड वाला है ये तो सेम है, डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एन फैक्टर, तो इसको रिप्लेस करके मोलैरिटी लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बहुत आसान, मतलब अब हमें क्या समझ में आ गया कि अगर हमें मोलैरिटी पता है, एन फैक्टर पता है, तो किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हमें नॉर्मलिटी पता है उसको अगर एन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या निकल सकता है, मोलैरिटी निकल सकता है। तो ओवरऑल करने के लिए मतलब हुआ कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग इस फॉर्मूला को भी यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीज देखेंगे एक नोट करके। ये हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसे हमें अच्छी तरीका से करना है। ऐसे मैं 11th क्लास में भी इन चीजों को पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे रिकॉल करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं इस पे करूँगा, तो सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली करना है। तो नोट करके हम लोग लिखते हैं, नोट
E1 अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना है 1 हो तो हम लोग क्या कहेंगे इट इज नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 1 है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ नॉर्मेलिटी मतलब a इज 1/2 तो इसे क्या कहेंगे हम लोग तो इसे हम लोग कहेंगे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं इफ नॉर्मेलिटी अगर है 1/10 तो इसे डेसी बोलेंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसे हम लोग डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। और इसी तरह से इफ नॉर्मेलिटी a इज इक्वल टू 1/100 तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन और इसी तरह से इफ नॉर्मेलिटी a इज इक्वल टू 1/1000 तो इसे हम लोग बोलेंगे मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसे हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है या सेमी नॉर्मल बनाना है या डेसी नॉर्मल बनाना है या सेंटी नॉर्मल बनाना है या मिली नॉर्मल बनाना है। यही अगर यहाँ पर मोलरिटी होता तो क्या करते, अगर यहाँ पर मोलरिटी 1 होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम लोग 1/2 होता तो सेमी मोलर सॉल्यूशन, 1/10 होता तो सेमी डेसी मोलर सॉल्यूशन, 1/100 होता तो सेंटी मोलर सॉल्यूशन और 1/1000 होता तो मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। तो एक चीज को थोड़ा याद रखना है, नोट करके उसे लिख लो कि वो किस तरह से होता है। इस तरह से अगर मोलर सॉल्यूशन है तो मोलर सॉल्यूशन तो इसका मतलब हो गया मोलेरिटी। तो इस बात को भी हमें माइंड में रखना है कि मोलर सॉल्यूशन ये सब क्या होता है। इसके बाद अब इस पर थोड़ा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और तभी हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन एंड पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझना है तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज ज़्यादा करने पड़ेंगे। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे
देखेंगे। तो एक चीज और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं इसे देखने से पहले, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, वो भी मैं कॉन्सेप्ट ले ही लेता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग को देखना है। हम लोग मोलैरिटी के केस में भी देखे थे कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उससे क्या चीज होता है। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। तो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसकी नॉर्मेलिटी कितना है, ये कैसा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना है, नॉर्मेलिटी, इट्स नॉर्मेलिटी इज एनसी, एनसी का मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वॉल्यूम, वॉल्यूम है इसका भी सी, हम लोग ऐसा ले लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम लोग यहां पे वाटर को ऐड कर रहे होंगे तो इससे क्या होगा, इससे यहां पे डाइल्यूट हो, मतलब डाइल्यूशन हो, डाइल्यूशन हो, डाइल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले से जो वॉल्यूम था अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, और वाटर को ऐड कर रहे हैं। मैं पहले भी इस पे डिस्कशन किया था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, समझना है कैसे कि अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें ग्राम इक्विवेलेंट 10 है, 20 है, कुछ भी है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 है। ऐसा अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये जो सॉल्यूशन लिए हैं, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 है। अब क्या कि इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दें, वाटर ऐड करके इसकी वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा दें, वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो अब ये कुछ ऐसा हो गया हो, लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो गया। तो अगर इस तरह से हो गया तो हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पहले से प्रेजेंट था बाद में भी क्या होगा, होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ना तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, ना ही हमने इसे रिमूव किया है, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी सेम इन बोथ द कंडीशन, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अभी भी क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम ही होगा, बहुत होगा तो सिर्फ एक चीज होगा कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसकी अगर नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी अगर हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें तो एन ऑफ डी बोल देते हैं, और इसका अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना बोल देंगे, वी ऑफ डी बोल देते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नाउ द पॉइंट इज कि क्या नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम चेंज होने से नॉर्मेलिटी चेंज होगा, क्योंकि बाकी हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज किए नहीं है, सिंपली क्या किए हैं, हम लोग इसमें वाटर ऐड किए हैं, वाटर ऐड करके इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिए हैं। तब हमें ये सोचना है कि क्या नॉर्मेलिटी चेंज होगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका जब फॉर्मूला लिखे थे तो वहां पे देखे थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अब अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, अगर हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज कराएं, अगर हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज कराएं, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो उससे नॉर्मेलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, मतलब इसमें जो पहले से जो वाटर प्रेजेंट है उसको अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमें एक चीज समझ में आया वो ये कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। हम लोग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में इक्वल क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिखे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो है ये हम लोग लिखे थे वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर यहां पर हम लोग डाइल्यूट भी कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ना तो वेट चेंज होगा और ना ही इक्विवेलेंट चेंज होगा। तो या तो डाइल्यूट करें या कॉन्सेंट्रेटेड करें, दोनों कंडीशन में हम लोग यही देखेंगे कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो दोनों केस में ऑलवेज क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ए ई ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिस शुड बी इक्वल टू ए ई ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डायलूट सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि Ne of C मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये किसके बराबर है, एन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एन सी बी सी, और अगर यहां पर लिखेंगे Ne of D तो दिस विल बी इक्वल टू एन डी एंड भी डी। और इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग दोनों को इक्वल करें तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा एन सी बी सी इज इक्वल टू एन डी भी डी। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में ये चीज ले सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इसके पहले से हमें नॉर्मेलिटी पता हो, अगर वॉल्यूम पता हो, और बाद में अगर ये चीज पूछा जाए कि इसका इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने के बाद इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिए और बढ़ाने के बाद जो न्यू सॉल्यूशन बन रहा है उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा, तो हम लोग इस टेक्निक को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस